दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार माकी ने लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद 4 जून को होने वाली मतगणना की जानकारी पत्रकार वार्ता में देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र भिंड दतिया 2 के अंतर्गत दतिया जिले की तीनों विधानसभाओं सेवड़ा भंडेर और दतिया में हुए मतदान के बाद की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही है। जिले की तीनों विधानसभाओं में अलग अलग टेबल लगाकर मतगणना कराई जाएगी। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही मतगणना के दिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 बनाए जाएंगे। मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। मीडिया को एक नियत स्थान पर भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और समय समय पर सभी सूचनाएं प्राप्त हों, इसके लिए मीडिया रूम की स्थापना की गई है। मीडिया कर्मी जनसंपर्क विभाग के किसी नियुक्त किए गए अधिकारी के साथ भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की वीडियोग्राफी या फोटो आदि नहीं ले सकते। सभी को अनुशासन का पूरा ध्यान रखना होगा। मतगणना के दिन पुलिस सुरक्षा के बारे में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वाहन पार्किंग से लेकर मतगणना स्थल पर आने वाले गणना एजेंट और सभी मतगणना ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों को प्रवेश पास गले में डालकर रखना चाहिए, जिससे उन्हें पहचानने में सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को आसानी हो। प्रेस वार्ता में अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव सहित जिला जनसंपर्क अधिकारी सुश्री निहारिका मेड़ा उपस्थित थे। रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। गिनती नहीं होनी है। पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर जो पोस्टल बैलेट होते हैं, इन दोनों की गिनती भिंड में होगी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष। तो वहां पर पोस्टल बैलेट गिनने के आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी, मेन काउंटिंग। तो काउंटिंग वहां 8:30 होगी, लेकिन अपने यहाँ 8 प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 8 हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट की गणना नहीं होगी। हम 7:15-7:30 के दरमियान एक एक करके तीनों स्ट्रांग रूम एआरओ और पार्टी या उनके कैंडिडेट या निर्वाचन अधिकर्ता के समक्ष खोलवाएंगे, मशीनें पहुंचवाएंगे और ठीक 8 काउंटिंग प्रारंभ कर देंगे। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि 7:15 तक आप लोग भी अपने स्थान पर आ जाइएगा हॉल में, और वहां से फिर पीआरओ साहब और मित्तल जी दोनों लोग रहेंगे, तो आपको 5-5, 6-6 के ग्रुप में अंदर आपको विजिट करा देंगे। आपका सुबह का नाश्ता भी लग जाएगा 7:30 तक, जैसा हम लोग का लगेगा अपने स्टाफ का, वैसे ही मीडिया पर्सन का रहेगा। वहां आपके सारा कम्युनिकेशन रूम, मीडिया रूम, नेट की सुविधा, टीवी लगे हुए, सारी सुविधा हम वहीं पे प्रोवाइड करेंगे आपको। गर्मी बहुत है तो ORS वगैरह या फ्रूटी वगैरह भी वहीं रखी मिलेगी आपको। तो क्योंकि हमारे ही हम तो ये मानते हैं हमारे ही अंग, तो कोई आपको कष्ट होगा तो हमें भी होगा। तो आपके लिए जहां तक पॉइंट है तो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी कोई बात होती है तो वहां पे PRO मैडम रहेंगी, तो आप अपनी बात रखते ना, तो जो भी अपन मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आम पब्लिक की एंट्री पीछे वाले गेट से होगी, गाड़ियां रोड के दूसरी तरफ खड़ी होंगी, भीड़ भड़क का ज्यादा नहीं होना है उस दिन। अगर कोई जुलूस वगैरह निकालने की स्थिति बनती तो जब तक जिला प्रशासन से लिखित अनुमति नहीं लेंगे तब तक कोई विजय जुलूस भी नहीं निकालेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, गणना 8 प्रारंभ कर देंगे। इस बार दतिया और सेवा इन दोनों में 20-20 टेबल लगाई गई है, और भांडेर में 16 टेबल काउंटिंग की है। इस प्रकार कुल 56 टेबल हमारी लगी हैं, लगेंगी, और 56 टेबलों पे एक साथ काउंटिंग होगी। जहां तक दतिया का प्रश्न है, यहां पे 257 पोलिंग है, तो इसका मतलब 13 राउंड दतिया के होंगे। इसी प्रकार सेवड़ा में 229 पोलिंग है, तो उनके में 12 राउंड होंगे, और भांडेर में 229 है, सेवड़ा में 221 है, भांडेर में 229 पोलिंग स्टेशन है, तो चूंकि वहां 16 टेबल है तो वहां 15 राउंड होंगे, है ना मैडम, 15 राउंड होंगे। तो सबसे अधिक नंबर ऑफ राउंड्स होंगे भांडेर विधानसभा में, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल 16 है। लेकिन हमने सारी व्यवस्था की है और अच्छे से अच्छी व्यवस्था इंश्योर कर रहे हैं। गर्मी बहुत अधिक है, नो डाउट, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ठंडे ठंडे में मतगणना का काफी काम हम पूर्ण कर लें। हालांकि मतदान मतगणना दल बैठेंगे जब तक वहां से डिक्लेयर नहीं हो जाएगा चुनाव का रिजल्ट भिंड से, तब तक, क्योंकि कोई छोटे मार्जिन से हार जीत अगर होती है तो कई बार रिकाउंट की भी स्थिति बनती है,
पूरा माने या ना माने, ये वहां के रिटर्निंग अफसर निर्णय करते हैं ऑब्जर्वर के साथ बैठ के, लेकिन हमारा हम यहाँ पे रहेंगे। इसके लिए सेवड़ा और भांडेड़ के लिए एक ऑब्जर्वर है और दतिया विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है। कुल दो ऑब्जर्वर साहिबान की पोस्टिंग यहाँ पे की गई है। एक मिस्टर राजेंद्र सिंह जी है जयपुर से और दूसरे वो अभी उनका कंफर्मेशन नहीं आया है, यूपी के हैं, वो आएगा तो हम आपको अवगत करा देंगे। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिस पर एसपी साहब अभी आपको बताएंगे। मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि पुलिस की गार्डनिंग और किस तरह से वहां पे मूवमेंट रहेगा, मोबाइल ले जाने के क्या क्या प्रतिबंध होंगे, इन सब के विषय में एसपी साहब बोलने की कृपा करें। मुख्यतः ये है कि आपका जो कॉर्डन हमारा जो लगा हुआ है सिक्योरिटी का, वो तीन लेयर्स में है। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम को देख रहे हैं वो डीएसएफ है, उसके बाद एसएएफ का है इनर कॉर्डन, और आउटर कॉर्डन हमारे डीएफ का है। दो डीएसपी साहबान भी लगाए गए हैं जो रेगुलर चेक करते हैं, और अधिकारी लोग सीनियर्स भी जाते हैं और बार बार उसको चेक करते हैं। ये अभी की सिक्योरिटी का जो है, उस दिन तो नेचुरल है कि सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी, हम लोग भी उपस्थित रहेंगे वहीं पे, सारे सीनियर अधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। मोबाइल के संबंध में ये है कि अंदर मोबाइल कोई लेके नहीं जाएगा, तो मीडिया का आपका जहाँ तक है अलाउड है, परमिटेड है, वहाँ पता लग जाएगा, उतना ही भर मीडिया मोबाइल अंदर, और बिल्कुल जो अंदर जो जाते हैं काउंटिंग परिसर में वहाँ पर मोबाइल लेके नहीं जाएगा कोई भी, उसकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उनको रोक दिया जाएगा। मुख्यतः यही है, और आप लोगों से भी उम्मीद की जाती है शांतिपूर्ण ढंग से, आप लोग जहाँ तक आपको बताया जाता है जाने की आपकी अनुमति है उतना ही दूर जाए, और आप लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन मीडिया में भी सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग रूम तक अगर या काउंटिंग जहाँ परिसर है वहाँ पर मीडिया नहीं है मोबाइल अलाउ, तो आप जितना उसके बारे में आप न्यूज़ में फ्लैश करेंगे वो लोग खुद ही फिर लाने से मना करेंगे। पिछली बार जैसी व्यवस्था है, पिछली बार जैसी व्यवस्था है, पिछली बार थोड़ा सा इशू था कि साहब मीडिया रूम दूर है, लेकिन वो हमने पलट के भेजा था आगे वाला वो करने को, इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माने किया, तो वहीं रहेगा लेकिन व्यवस्था जमा लेंगे, इतना कोई बात नहीं। पिछली बार बहुत ही टेंस गणना थी, आपको पता है दतिया तो 9 बज गए थे रात को, इस बार वैसी कोई उम्मीद नहीं भी है।